स्टार भारत के शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि पार्वती मैया राधा रानी के सामने आती हैं और उनसे कहती हैं कि इस तरह इस पूरी मुसीबत का गणेश से ही इस बात की शुरुआत हुई थी और इसका अंत भी गणेश ही करेगा। और वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। राधा रानी गणेश को देख कर के हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि आप आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गणेश जी राधा रानी को कहते हैं कि जी अब आपकी मंशा शुद्ध हो और माता का आदेश हो तो मैं भला कैसे नहीं आता। मैंने द्वारका के प्रति आपका प्रेम देखा है और यदि आपका प्रेम शुद्ध और पारिशुद्ध है तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांप तपस्या में लग जाता है और उसकी तपस्या लगभग पूरी ही होने वाली होती है और ये सब कृष्ण और बलराम दाऊ अपने महल से देख रहे होते हैं। बलराम दाऊ ये सब देखकर कृष्ण की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुमने सारी चीज़ों का भार राधा पर डाल दिया है, तुम कुछ भी क्यों नहीं करना चाहते हो कान्हा। कृष्ण बलराम दाऊ को देखेंगे और कहेंगे कि राधा को आप इतना कम मत आंकिए, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और उसने समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। ये बात सुनकर बलराम दाऊ खुश होते हैं लेकिन अचंभित भी होते हैं। वो कहते हैं कि क्या राधा ने मार्ग ढूंढ लिया है, लेकिन क्या कैसे। तभी कृष्ण बलराम दाऊ को भोजन ग्रहण करने के स्थान पर ले जाते हैं जहां पर बहुत सारा भोजन लगा होता है, जिसे देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा मुझे भूख नहीं है। तो बलराम दाऊ को कहते हैं कृष्ण कि मैंने ये भोजन आपके लिए नहीं मंगाया है। तो बलराम दाऊ कहते हैं और तुम तो इतना भोजन खाते ही नहीं हो, तो आखिर तुमने ये भोजन क्यों मंगाया है। कृष्ण कहते हैं कि आपसे किसने कहा कि मैंने ये भोजन अपने लिए बनाया है या मंगवाया है, ना तो मैंने आपके लिए ना मैंने अपने लिए इस भोजन को मंगवाया है। ये भोजन उनके लिए मंगवाया है जिनका सब काम सिर्फ और सिर्फ खाने से ही शुरू होता है, यानी कि गणेश जी। तभी यहाँ पर शो में गणेश जी की एंट्री होती है और जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को देखते ही गणेश जी अपने गले लगाते हैं और एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। गणेश जी सामने आते ही कृष्ण से पूछते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पहेली बुझाइए, मैं उसका अर्थ अपने आप ही समझ लूँगा। कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तभी गणेश जी बलराम दाऊ से कहते हैं कि इस कार्य में राधा की मदद करने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। बलराम दाऊ कहते हैं कि अगर बात राधा की है तो मैं अपना श्राप या फिर अपना वादा भी तोड़ने के लिए सज्ज हूँ, तुम बताओ मुझे क्या करना है। गणेश जी कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप केवल सामंतक मणि का पता लगाएं कि वो कहाँ है। ये बात सुनकर बलराम दाऊ चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि दरअसल मैंने उसे बहुत ढूंढा है लेकिन मुझे तक मणि कहीं नहीं मिली। कृष्ण की तरफ देखते हैं दोनों, जहां पर गणेश जी के आग्रह करने पर श्री कृष्ण पहेली बुझाते हैं जिसका अर्थ खुद गणेश जी को लगाना होता है। कृष्ण पहेली बुझाते हुए कहते हैं सबसे खास चीज वहां रखी जाती है जहां उसका प्रकाश अत्यंत कम हो, और प्रकाश तभी कम होता है जब सबसे गहरी और घनी घनघोर जगह हो। गणेश श्री कृष्ण जी की ये पहेली समझ जाते हैं और वो बलराम दाऊ को बातों से समझाने की कोशिश करते हैं और अंततः दाऊ को भी अपनी तरह ही उस पहेली का अर्थ समझाने में सफल हो जाते हैं। अगले ही क्षण आप देखेंगे कि दाऊ अपने तीनों पुत्रों के साथ पहुंच जाते हैं गहरी गुफा में, घाटी की गुफा में, जहां पर वो सामंतक मणि ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर शाम की पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली होती है, जहां पर लक्ष्मणा उससे कहती है कि अब आप जल्दी से अपनी पूजा तपस्या को पूर्ण करके चंद्रदेव को आदेश दीजिएगा कि वो अपनी सारी शक्तियों से इतनी बड़ी प्रलय लाएँ कि सब देखते रह जाएँ। चंद्रदेव की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उन्हें अपने आप पर घमंड होने लगता है। दूसरी ओर सूर्यदेव इतने ज़्यादा क्षीण हो जाते हैं कि वो बर्फ से जम जाते हैं। तभी श्री गणेश जी चंद्रदेव के पास जाते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ चंद्रदेव अपने ही एटीट्यूड में और अपने ही घमंड में बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। तब श्री गणेश उन्हें पुरानी कहानी सुनाते हुए समझाते हैं कि आप कैसे भूल सकते हैं कि आपके साथ पहले क्या हो चुका है। यहाँ श्री गणेश समझाते हैं उन्हें कहानी के द्वारा कि कैसे जब मेरी माता मुझे प्यार से भोजन करा रही थी और आप मेरे सामने बैठे थे, तब आपने बड़े ही ख़राब तरीके से मेरा मजाक उड़ाया था कि ये खा खा के कितना मोटा होता जा रहा है, जिसके पश्चात मैंने आपको श्राप दिया था कि आप
माह के 15 दिन अत्यंत अधिक सुंदर लगेंगे, लेकिन बाकी के दिन आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और इसी के चलते आपको अपनी शक्तियां आधी करनी होती है या फिर चंद्र ग्रहण लगता है। ये सारी बातें आपको फ्लैशबैक में दिखाई जाएंगे, जिसके पश्चात चंद्रदेव अपने सारे घमंड गुरूर को छोड़कर धरा पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तो आप ही बताइए कि मैं कृष्ण की सहायता कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर गणेश जी चंद्रदेव को आदेश देते हैं और कहते हैं कि अब आप अपना आधा हिस्सा कर लीजिए। चंद्रदेव गणेश जी की बात को समझते हैं और ऐसा ही करते हैं। साम गणेश जी का अगली तरफ आप देखेंगे कि साम चंद्रदेव का आवाहन करता है, उन्हें बुलाता है और कहता है कि अब आप अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा आपको और यहाँ पर प्रलय लानी होगी। यहाँ पर चंद्रदेव साम को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरी सारी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे कहे के मुताबिक नहीं चल सकता। इस तरीके से अब मैं वही अपनी मर्जी से रूप में रहूँगा जिसमें मैं रहना चाहूँगा। और ये कहकर के चंद्रदेव यहाँ से अवतारित हो जाते हैं और सिर्फ चंद्रमा ऊपर दिखाई देता है और वहाँ पर चंद्र ग्रहण लग जाता है, जिसे देखकर सांप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। अब देखना होगा आने वाले एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि सांप का कैसे होगा राधा के साथ मुकाबला और वो कैसे राधा को हरा करके अपनी खराब मंशा पूरी करता है, या फिर गणेश जी बलराम दाऊ और राधा मिलकर सांप को सबक सिखाएंगे। ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में, काफ़ी दिलचस्प। We'll be right back.